Should I start? Bas, 2 second. Sure. जी जी शुरू करिए. ओके. जय जिनेन्द्र. मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लभते. ओके. हाँ. आप में से कोई बताना चाहेगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? एनीबडी वुड लाइक टू हेल्प मी विद द रिकैप? चलिए मैं ही कर रहा. पासपोर्ट पांच नोट्स रखे बीच में. हमारी एक मूवी चालू थी जिस मूवी के अंदर हम लोगों ने एक हीरो को आइडेंटिफाई किया था. हु वाज द हीरो? किसी को ध्यान है? मतलब नुपुर जी थे क्या हीरो? आत्मा. मतलब वो कोई जो ऐसा जो भूत जैसे घूमता रहता है आज सबको डराते रहता है वो आत्मा? हीरो कौन था अपने मूवी का? हम सब सर, हम सब सब अपनी अपनी आत्मा. आई होप सबको क्लियर है, राइट? ठीक है. उसके बाद हमने देखा था हमारे विलेंस कौन थे जिनके ऊपर वी नीड टू विन ओवर. वी हैड आइडेंटिफाइड 10 वन फैमिली ऑफ विलेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स. दादाजी कौन थे? मिथ्यात्व. उनके 4 बच्चे थे कसाय और उनके 5 पोते थे 5 बाप. हमने देखा था कि हम कैसे क्रोध मान माया को जीता जाए. क्रोध में हमने ये देखा कि भाई जब भी हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा इज लाइक अ फायर, और जब भी आग लगती है ना तो सबसे ज्यादा कौन जलता है? फायर जलता है. तो विच मीन्स कि जो क्रोध है वो क्रोध जो है वो सबसे ज्यादा बर्न करेगा. और किसको बर्न करता है? वो खुद की आत्मा को. विच मीन्स कि यदि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं किसी पे गुस्सा निकाल भी रहा हूं तो उसके ऊपर गुस्सा निकाल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाले का हित हो कि अहित हो वो उसके कर्मों के उदय के हिसाब से होएगा. मेरे कुछ भी करने के हिसाब से उसका हित का अहित नहीं होने वाला है. बट गुस्सा करके, क्रोध करके मैं अपनी आत्मा के साथ अपराध कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को कष्ट दे रहा हूं. अब ये बात जब हमें समझ में आ गई और हमने उससे बच गया तो हमने 4 बच्चों में से पहले बच्चे को हरा के रिटर्न भेज दिया. वो बच्चा जब रोता हुआ घर पे जाता है तो उसका बड़ा भाई मान बोलता है कि रुक, ये तेरे बस का काम नहीं है, इसको देख मैं कैसे हैंडल करता हूं. वो आता है, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देता है और बहुत ही प्यार से आपको बोलता है कि भाई मान मत करना, डोंट बी प्राउड, बट एटलीस्ट हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना सामने वाले में. आशय ना म्यूट ऑन एंट्री कर दीजिए ना कि कोई भी एंटर करेगा तो म्यूट हो जाए. ओके. मान बोलता है कि भाई तेरी खुद की इज्जत है कि नहीं है? डू यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट और नॉट? हाउ कैन एनी टॉम डिक एंड हैरी कम एंड टेल यू एनीथिंग एंड गो? यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल था. आई डोंट रिमेम्बर इफ आई हैव गिवन इट और नॉट. आपको पता है कि कौन से वाटर बॉडी में सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, कौन से वाटर बॉडी में हल्का सा भी बाहर के इन्फ्लुएंस होने पे उस पे लहर उड़ जाती है?
एक ग्लास में पानी लो ना, उसको एक हल्का से टिक कर दो ना, देखना कितने पानी ऊपर नीचे होता है। ऑन द सेम एंड, यदि आप सेम चीज एक नदी में ऐसे तालाब में भी ऐसे टिचिक करोगे तो कितना आएगा, और यदि आप समुद्र में जाके करो तो कितना आएगा। सो जिसमें जितनी गहराई होती है उसको उतना कम मान कसाई का इंपैक्ट होता है। अब इस गहराई का मेरा मतलब क्या है वो समझना। गहराई से मेरा मतलब है जितनी ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो, जितनी ज्यादा उनको समझ में आ जाए कि बॉस उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी खुद से है, दूसरों के हाथों से नहीं है। इसके बाद हमने देखा था माया। माया में हमने क्या देखा था, माया में हमने ये देखा था कि भाई यदि हमारे पास से कोई काम नहीं होता है तो उंगली टेढ़ी करके काम निकलवा के कभी काम निकाला नहीं जाता है, क्योंकि काम तब तक नहीं होएगा जब तक आपका काल नहीं आएगा, जब तक आपका वो काम होना निश्चित नहीं होएगा तब तक वो काम नहीं होने वाला है, और वो काम हो उसके लिए आपको पुण्य कर्मों का उदय की आवश्यकता है। अब पुण्य कर्मों की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा कर्मों का कॉन्सेप्ट समझा था, और वहां पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था दैट बॉस यदि हम लोग अपनी लाइफ में 10 दिनों में खाली 9% ही शुभ कर्मों में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी सब अशुभ कर्मों में इन्वेस्ट करते हैं तो आउटकम क्या मिलने वाला है, अनुकूलता या प्रतिकूलता। उसके बाद एक असाइनमेंट भी था, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने वो असाइनमेंट किया है या नहीं किया है, बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि जिसने भी असाइनमेंट किया होगा वो कम से कम एक रात तो सो नहीं पाया होगा। जैसे ही आपको ये बात रियलाइज हुई होगी कि बॉस आई वांटेड टू गो टू अमेरिका फ्रॉम इंडिया, सो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग आइदर वेस्ट और ईस्ट आई स्टार्टेड ट्रेवलिंग नॉर्थ, बताओ कितने दिनों में जाके मैं अमेरिका पहुंच पाऊंगा। साल में 4380 घंटे, जिन मैं ये वो घंटे की बात कर रहा हूं जिन घंटे के अंदर यू कुड बी प्रोडक्टिव, यू कुड डू समथिंग, उसमें से खाली का हम 80 घंटे ही या 100 घंटे ही धर्म को या शुभ कर्मों को देंगे। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी लाइफ में कोई कल्याणकारी काम है। Having said the same, अब हमें आज ये देखना था कि भाई उन कर्मों को कैसे हम इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Am I right? That is where we were. चलिए, हम लोगों ने कौन से धर्म देखे थे, उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव, राइट। उसके बाद हमने एक दिन हमारा लेक्चर नहीं हुआ था, उस दिन कौन सा था, सोच। एंड व्हाट इज टुडे, सत्य, ओके। इसके अंदर आज के दिन क्योंकि हमें दो चीजें कवर करनी है तो थोड़ा सा मैं हेक्टिक भी करूंगा,
क्योंकि मुझे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी है। अब पहले मैं आपको सत्य के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम सोच एंड सत्य बोथ एंड कंटिन्यू विद आवर जर्नी। ओके, एक बात बताना, सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना? आप में से ऐसा कोई भी एक बंदा है जो इस चीज का दावा कर सकता है कि वो सच बोलता है? Not हमेशा। कभी भी बोलते हो? Yeah। चलिए आप कोई भी एक सच्ची बात बताइए। एक ऐसी बात बोलो जिस चीज में आप 110% श्योर हो जो सच्चा। एंड प्लीज कोई जनरल बात मत बोलना, जैसे कि मैं मॉम हूं या मैं डैड हूं, मतलब इस टाइप की बातें मत बोलिएगा। Like sometimes you say just to avoid the conflict, ये रहता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो आप कई बार आप बात को लाइक यू नो यू पुट इट इन अ डिफरेंट वे और यू डोंट से इट, दैट्स फाइन। बट कोई भी एक लाइन बोलिए वेयर यू आर श्योर कि आपने सच ही बोला था। ओके, like to my kids, I can say to my kids, जैसे आप बोलते हैं, आप share करते हैं अपने experience, उस time में आप कोई भी event होता है जो sometimes you don't want to share it with your kids, and but जैसे था ना मैंने इसे share किया, exactly, it's nothing new, it happens। Okay. This was a generic, it was not. Yeah, this is very general, right. Yeah. This is very general. I understand. I get it. Okay, this is very general. Let me give another example. Nupur ji ne bola ki Narendra ji ne meeting ek schedule ki hai. Bataiye, sach hoegi ya jhoot hai? Sach. Like, if I come to know, I'll think it's such. Exactly, that's the point. So, Nupur ji ne sach bola hai ki jhoot bola hai? Ye Nupur ji ko pata hoga. It's like, she only knows it, right? Yeah, but now, for according to Nupur ji also, agar Nidhi ji ne ye baat boli ki ye Pandit ji ko नरेंद्र जी ने इनवाइट किया, ये पंडित जी को कमिटी ने इनवाइट किया, बताइए सच है कि झूठ है? झूठ है। निधि जी बोलेंगे सच है, मैं बोल रही हूँ झूठ है। नहीं, मुझे पता नहीं है, I'm like, मैं दूर दूर तक मेरा इतना नहीं रहता, लेकिन हाँ लाइक मतलब आई डोंट ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट ये मुझे पता है कि हाँ लाइक शायद। चलिए, कोई भी पंडित जी को बिना कमिटी के इनविटेशन के वो पंडित जी आ सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पे? आई डोंट थिंक सो। So that means the committee has invited? Maybe part of it, and it depends ki convince kiya, like present kiya, then like committee, they say they're fine with the idea. It's just like that. So ye ek chote se line ke andar aapne itne if and buts nikal diye. Now imagine आप आपकी life में कोई भी चीज बोलते हो अपने boss को, अपने husband को, अपने partner को, अपने बच्चों को, अपने parents को, कभी आपने examine किया है कि वो सही है कि नहीं है?
आई विल टेल यू व्हाट या मेरी वाइफ की एग्जाम्स थी एंड इट वेंट वेरी वेल. Now you want to pass on the same communication to somebody else. आप क्या बोलोगे? Yeah, अगर जैसे मेरे husband के exam से he did pretty good. If the person is close to me, definitely I'll share that info with that. Perfect. Now after you shared it with a person, आपको Chinese whisper अच्छे से पता है, right? कौन सा? Chinese whisper. Yeah. So by the time ये 10th person तक पहुंचेगा इसका क्या बनने वाला है? कुछ और ही बनने वाला है. ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत ही traditional example देने वाला हूं, and I'm pretty much sure आप में से हर एक इंसान ने वो चीज experience किया होगा. आप लोगों ने अरेंज मैरिज के टाइम किसी बंदे से मिलने गए, किसी थर्ड पर्सन ने देख लिया कि भाई ये दोनों मिल रहे हैं और फोर्थ टाइम मीटिंग हुई है, वो बंदा बाकी लोगों को क्या बोलने वाला है? इनकी लव मैरिज है. भाई लव है क्या? आई डोंट नो, बट इतना तो पक्का हो गया ना कि इसका फिक्स हो गया. इसका फिक्स हो गया, या अगर किसी को पता है कि लाइक यू नो they're getting married, तो मतलब तो it's like in, they have second thought कि हाँ they might have a second like love marriage. It's like so, you people. I'm not going to talk about love and arrange part, but even if you are dating a person to know that person, or you're meeting a person to know that person without fixing a marriage for the fourth time, any third person who is looking at it, you know what they will say? Inki to ho gayi fix. Now, it doesn't mean ki ho gayi fix. Usne jaake chauthe bande ko bola, chauthe ne paanchve ko bola, and you know what? By the time वो घूम फिर के आपकी ही फैमिली के कोई थर्ड कजिन को पता चलेगा, यू नो क्या पता चलेगा? अरे मेरे ख्याल से ना उनका तो पहले से लफड़ा चालू था, तो अभी उनकी इसलिए शादी फिक्स कर दी है. हाँ, exactly. अब ये जो चाइनीज विस्पर हुआ है, जिस बंदे ने बोला है उस बंदे ने ये झूठ समझ के बोला है या सच समझ के बोला है? उसने अपने अपने सच मतलब उस चीज को बड़ी से जो विजुलाइज किया है उसमें अपने एक्स्ट्रा थिंकिंग स्लॉट लाइक होता है ना थिंकिंग थॉट्स डाल के उसमें ऐड कर दिया. सो आप बोल रहे हो मिर्च मसाला ऐड कर दिया, बट जस्ट मी, नोबडी विलिंगली ऐड मिर्च मसाला. मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, but most of the people they will not add mirch masala because we are talking about people like you and me. Hum logo ko kya dena dena, mujhe Nupur ji ne bola, maine same to same pass on kar diya, but that is a lie. I will tell you why. Yeah. Did I took a pain to know what is the truth? Yeah, that's true. Yadi mujhe kisi ne koi information di hai, then I need to cross-check and validate that information before passing it on. If I'm not cross-checking and validating the information from the source and passing it on, then that is a lie. मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बॉस ये चीज मैंने बोली थी इससे क्या अंतर पड़ रहा है. It is a no impact sentence. और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बॉस आई सेड इट फॉर द ग्रेटर गुड फॉर सम ग्रेटर गुडनेस और बेटरमेंट. यदि आपने कोई भी चीज बोली है बिना तहकीकात किए, बिना आइडेंटिफाई किए, बिना श्योर किए कि दैट इज द ट्रुथ, देन इट इज अ लाय. अब आप सब लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए कि लास्ट टाइम आपने ऐसा कौन सी चीज बोली थी विच अकॉर्डिंग टू यू वॉज अ ट्रुथ. उस चीज के पीछे डिड यू पुट इन एफर्ट्स टू नो कि उसकी एक्चुअली में सच्चाई क्या है? डिड यू वेरीफाइड द सोर्स फ्रॉम द रूट? डिड यू वेंट इन द डिटेल्स टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई एंड वैलिडेट वेदर इट वॉज अ ट्रुथ और नॉट? इफ यू हैव नॉट डन इट, then it is a lie.
So that makes sense. Now I'm going to say something which is very, very dangerous to understand. So please pay attention. मैंने आपको बोला कि आत्मा का गुण जानना देखना है, उसमें अनंत चतुष्टय है, उसके अंदर अनंत ज्ञान है। बताओ ये मैंने सच बोला कि झूठ बोला? Very risky question, huh? Because this is something which will make you question mark each and everything. कल का एक question था, why should you choose Jainism over other religion? और एक answer था जो कि मैं कल देना भूल गया था, वो आज बहुत valid है। आपको पता है जैनिज्म की खासियत क्या है? जैनिज्म में बोला जाता है दैट यू डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव एनीथिंग, यू नीड टू एग्जामिन योरसेल्फ एंड वैलिडेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बाय योरसेल्फ। यू नीड टू क्रॉस क्वेश्चन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। एक दूसरा धर्म बता दो जो ये बात बोलता। एक भी ऐसा रिलीजन है जो आपको बोलेगा कि बॉस डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, व्हाट एवर आई एम सेइंग क्रॉस चेक एंड वैलिडेट, क्रॉस चेक एंड वैलिडेट बाय योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। That is something which make this unique. The reason it says that is कि यदि आपको यदि किसी केवल ज्ञानी ने ये चीज बोली थी तो क्या आप, मैं खुद केवल ज्ञानी की बात सुनी है मैंने? मैंने भी जो बात आपको मैं सिखा रहा हूं वो बात भी I have learnt it through multiple mediums. There were multiple people in the chain. There is a high probability of what? There is a high probability of Chinese whisper. इसी चीज को यदि आप देखोगे तो ये सेम चीज को कंसिडर करते हुए हर एक जितने भी आचार्य देव या जितने भी लोगों ने जिनवाणी लिखी है हर एक में वो लिखते हैं एक चीज, क्या? कि ये ग्रंथ मैंने अपने ज्ञान अनुसार लिखा है, आप सब लोग अपनी बुद्धि अनुसार इस चीज को क्रॉस चेक कीजिए और कोई त्रुटि हो तो प्लीज उसको सुधार लीजिए। है, आपने कभी तक किसी का लेक्चर सुना है जो बोलता है कि बॉस आई एम टीचिंग यू समथिंग बट डू गो एंड क्रॉस चेक इट, इफ देयर इज एनी मिस्टेक आई हैव डन फील फ्री टू नॉट ओनली करेक्ट द इंफॉर्मेशन एट योर एंड बट ऑल्सो इन्फॉर्म मी। आज तक किसी को भी आपने सुना है ऐसा बोलते हो किसी भी एक्सपर्ट को? यहाँ पे हर एक ग्रंथ में, हर एक जिनवाणी में लिखा हुआ है। This showcase कि बॉस सच बोलना कितना कठिन है। To say a truth, you need to know the truth. To know the truth, you need to examine and get to the root cause. यदि आपने कोई भी बात बोली है बिना क्रॉस चेक क्रॉस वैलिडेट किए तो वो आपके हिसाब से कितना भी बड़ा सत्य क्यों ना हो वो है झूठी।
तो जिनको भी ये लगता है कि सच बोलना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी इट इज नॉट. दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई सच कड़वा होता है, ये जो है ना ये एक नंबर का ना झूठी बात है. सच ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, सच जैसा है वैसा होता है. वो सच को बोलने वाला व्यक्ति उसका प्रेजेंटेशन या तो कड़वा कह सकता है या तो मीठा कर सकता है. सच अपने हक में ना कड़वा है ना मीठा है, उसका प्रेजेंटेशन, जो व्यक्ति उस चीज को आपके सामने रख रहा है वो चीज कड़वा या, जैसे कि आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप लोग खाना बनाते हो, पुलाव बनाते हो, पुलाव को यदि मैं एक कटोरी में इसके अंदर भर के आपके सामने ऐसे रख दूं तो बोलो अच्छा लगेगा क्या बेकार? ओह वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, इसके अंदर मैंने पूरा पुलाव भरा और ऊपर थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं टॉपिंग्स डाल के रखा, इट्स लुकिंग सो गुड, इट इज स्मेलिंग सो गुड, इट विल बी टेस्टी, राइट? क्या सच में टेस्टी होता है? और कई बार होता है कि भाई एक प्लेट में ऐसे धड़ धड़ के डाल के दे देते हैं और बोलते ये लो खा, अब तक ये क्या दिया हुआ है, एंड इट इज टेस्टी. The bottom of the story is, जो सच है वो सच है, ना कड़वा है ना मीठा है. बस इतना देखना चाहिए है कि जिस समय भी आप किसी व्यक्ति को सच्ची बात बता रहे हो उस समय उस व्यक्ति के लिए वो हित मित और प्रिय होना चाहिए. हित मतलब हेल्पफुल, मित मतलब किरित भाई आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि आप किधर मिस्टेक कर रहे हो. यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो सक्सेसफुल दैट आई वांट टू फॉलो यू किरित भाई, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू किरित भाई. बताइए, मैं उनको डांट रहा था कि उनकी तारीफ कर रहा था? बुक्को जी अब इतनी प्यारी हो, अब क्यों ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करती हो? एक बहुत ही फेमस सेइंग है, ऐसा बोला जाता है कि कुछ एरियाज है इंडिया के जाके लोग यदि आपकी तारीफ भी करें ना तो आपको लगेगा कोई गाली दे रहा है, और साउथ इंडियन वो आपको गाली भी दे ना तो आपको लगेगा ओ दे हैव सेड समथिंग नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो आप जो भी चीज बोलो वो सामने वाले को सुनने को अच्छा लगना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर तीन वर्ड्स और आएंगे, एक है संयम, एक है गुप्ती, एक सेकेंड आई मिस्ड समथिंग, हाँ अणुव्रत महाव्रत, मतलब संयम और गुप्ती ये दो चीजें है, व्रत है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मेजरली मैं आपको बताना चाहता हूं. वचन गुप्ती के अंदर बोलते हो कि मैं भूलूंगा ही नहीं, मैं चुप रहूंगा. अब एग्जांपल इसका बहुत ही टिपिकल एग्जांपल जो ग्रंथों में आता है वो ये है कि मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे थे या मुनिराज सामने बैठे थे, उनके सामने से एक बकरी आई ये साइड गई, उस बकरी को मारने वाला जो कसाई था वो पीछे से आया, उसने पूछा कि बकरी किधर गई है, बताइए क्या आंसर देना चाहिए? सही डायरेक्शन बताना चाहिए
या मिसडायरेक्ट करना चाहिए? मिसडायरेक्ट, दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. बिकॉज आप कसाई के पीछे अगर बकरी को भेजेंगे तो इट्स लाइक they'll be gone, if I heard correctly. Yeah, you heard correctly, but I believe you were not there in previous lectures, right? Yeah, I wasn't there. Yeah, you should hear the previous lectures. You know why? Okay. I will tell you why. This is a typical mistakes which we do. हमारे सामने जो दो ऑप्शन होता है ना, हमें लगता है कि वो दो ही ऑप्शन है. But there is always a third option. Okay. किसने बोले कि आपको आंसर देना कंपलसरी है? I lost you. आपने कुछ कहा? हाँ, किसने बोला कि आंसर देना कंपलसरी है? नहीं, पूछा मैंने, बता. Means you asked my opinion. So, जो as a person I'll do it, I just said honestly. जैसे बोला ना, सच 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 ही होता है. It's like, so I just said what. So I am also, so on that point I am saying कि ऐसे मौकों पे सच बोलने से अच्छा है चुप रहना. Okay. क्योंकि यदि आप कुछ भी बोलोगे तो या तो सच होएगा या झूठ होएगा. यदि आप चुप रहोगे तो ना सच होएगा ना झूठ होएगा. उसके आगे यदि वो बंदा सही डायरेक्शन में जाता है तो वो उसका भाग्य, यदि वो गलत डायरेक्शन में जाता है तो वो भी उसका भाग्य. यदि आपने गलत डायरेक्शन दिया तो आपने झूठ बोला, आपने मायाचारी किया, आपको उसका पाप लगेगा. यदि आपने सही डायरेक्शन किया तो आपने हिंसा की अनुमोदना की तो आपको उस चीज का पाप लगेगा. Okay. यदि आपने इनडिफरेंट रहे, आपने कोई आंसर नहीं दिया, मतलब इसको आस्क नहीं ना, तो जो ग्रंथों में जो उदाहरण आता है उसमें यह इस एक्सट्रीम तक जाता है कि कसाई उसको बोलेगा कि भाई तू बता, नहीं तो मैं तुझे काट के खाऊंगा. उसके बाद भी मुनिराज चुप रहते हैं. पता है क्यों? ओके. क्योंकि उनका सोचने की भाई यदि भाग्य में ये लिखा है कि मेरा कटना है तो मैं इसको सही आंसर दे भी दूंगा तो भी ये मुझे काटेगा. यदि मैंने उसको सही डायरेक्शन दे दिया, वो डायरेक्शन में गया, उसको बकरी नहीं मिली, तो लौट के आके मुझे काट देगा गुस्से में. Right. और यदि मेरा मरना नहीं लिखा है, मेरा कटना नहीं लिखा है और मैंने उसको भी आंसर नहीं दिया तो भी ये जो धमकी ना काटने की, ये कोरी धमकी होगी, कुछ करने वाला नहीं है. Okay. Yeah, that makes sense. So, आपके सामने यदि दो ऑप्शन है सो ऑलवेज थिंक कि व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन. तो किस समय पे बोलना चाहिए और किस समय पे बोलना नहीं चाहिए है, इसका विवेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Having said that, अभी हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर. सत्य क्या होता है सबको समझ में आ गया है. कल हमारा एक क्वेश्चन, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जो कि पेंडिंग था. आप में से कोई वो क्वेश्चन बताना चाहेगा? कल का सेशन से? नहीं नहीं नहीं, लास्ट लेक्चर. हाउ, राइट? इज इट द हाउ वी स्पेंट आवर व्हाट एवर वी हैव इट, लाइक कर्मास वी हैव इट, गुड कर्मा. आई मेंट टू से गुड कर्मा. हाउ डू वी द, सो यू वर करेक्ट. How should we manage our karmas? I think I meant to ask that way. Didn't put it through correctly. Yeah, perfect.
So we need to basically manage the good karmas and bad karmas both. So I will give, for new people, I will just give you a brief background. हम लोगों ने ये identify किया था कि हमारे there are two elements. One element is atma, another element is which is jeev, another element is pudgal, which is karmas, which is ajeev. They are atma is like a helium balloon, जिसको छोड़ो तो एकदम ऊपर चला जाता है. अब उस बलून के ऊपर तेल लगा हुआ है, इतना ज्यादा तेल लगा हुआ है कि उसके ऊपर सारी धूल मिट्टी आके चिपक गई है. अब बताओ ये बलून ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बिकॉज ऑफ द धूल मिट्टी एंड द वेट ऑफ इट, ये बलून ऊपर नहीं जा पाएगा. अब इसको अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को हटाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी बलून की. Now that is where again we are mistaken. उसको क्लीन करना पड़ेगा. Let's put that way. So how will you clean it? आप ऊपर की मिट्टी को हटा के क्लीन करोगे? You know how we any intelligent person will clean it? उसकी जो bonding element है ना, जिससे जिसके base पे वो मिट्टी आके bond हुई है, उस bonding element को हटा दिया जाएगा. क्योंकि अगर bonding element रहने दिया और आपने ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटाई तो दूसरी मिट्टी आके जम जाएगी, और मिट्टी हटाओ तो दूसरी मिट्टी आके जम जाएगी. क्योंकि वो bonding element, वो stickiness है ना, जब तक वो स्टिकीनेस रहेगा तब तक आप कितना भी साफ करो साफ नहीं होने वाला है. हाँ, लेकिन यदि आपने उसके ऊपर से बॉन्डिंग एलिमेंट हटा दिया, उसके बाद इज देयर एनी वे कि कुछ भी आके चिपकेगा? नो, राइट? सिमिलरली आत्मा और ये कर्म, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग एलिमेंट है वो है आत्मा के विकारी भाव. हमें अपनी भाव को कंट्रोल करना है. आई वोंट से कंट्रोल, आई विल से मैनेज. एंड इट्स वेरी इजी. एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो व्हाट? Each and every person who is attending this lecture is an expert in it. आप सब लोग business, family सब manage करना जानते हो? जब bad times आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? जब COVID में income आनी बंद हो गई थी तो आपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया? लिमिटेड रिसोर्सेस जो आपकी सेविंग थी उसी में से आपने मैनेज किया था कि नहीं? नाउ टेल मी, सो दैट मींस कि जब आपका अशुभ कर्मों का उदय था तभी भी आपने समता धारण करते हुए आपने मैनेज किया था. On the other hand, जब आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं तो तभी भी आपने मैनेज किया बहुत पैसे को, कि आपने बोला कि भाई मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, क्या करना, उड़ाते जाओ, आए जाने दो, कौन मैनेज करेगा, कई का टेंशन. क्या आप ऐसे करते हो? Which means each and every one of you is expert in management. So now that is what you need to do with the karmas. You need to manage the karmas by managing your bhav, managing your emotions. अभी यदि मैंने नुपुर जी को कोई चीज बोल दी जो उनको चुभ जाए तो उनके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, बुरा मान के
अब आप देखना, आपने मेरे को ऐसा बोला ना, वो भी मेरी कम्युनिटी के सामने जिधर मेरी एक रिस्पेक्ट है। अब आप देखना, ये टाइम तो आप लेक्चर ले लो, इसके बाद ना जिंदगी में आपको ना यहाँ पे कोई भी आपका लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, देख लेना। वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, मैं को सब लोग जानते कि मैं कौन सी बड़ा तोप हूं। ये ऐसा कोई भी ऐसा करता आके कुछ भी बोल के जाए तो उससे मेरा क्या होने वाला है। हाथी चलते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन, कोई बात नहीं, पंडित जी को कुछ पता नहीं होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैंने उनको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे, इट्स फाइन। बताओ इन तीनों ऑप्शन के अंदर नुपुर जी की जो इमोशंस है, नुपुर जी की जो भावना है, वो पहले में कौन सा था, दूसरे में कौन सा था और तीसरे में कौन सा था? पहले में क्रोध था, दूसरे में मान था और तीसरे में समता। हाँ जी, समता थी तीसरे में, सहजता। इट्स ओके, न्यूट्रल। बस यहाँ पे तो ट्रिकीनेस आ जाती है। हम जिस चीज को समता समझते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सच में समता था। आई वाज स्टिल सेइंग कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, गलत फहमी हो गई होगी। The point over here is कि how will you decide whether it was samta or it was not, and the decision is very simple. आपके पीछे ऑब्जेक्टिव या मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? यदि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि भाई मुझे अभी सर के साथ पंगा नहीं लेना है क्योंकि सर से मुझे अभी बहुत सही चीजें सीखनी है, मेरा लास्ट सेमेस्टर उनके साथ बाकी, अभी पंगा लूंगी तो मेरा एग्जाम बिगड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यदि आपका ये था कि नहीं अभी मुझे इनके पास से और भी चीजें डिराइव करनी है, सो वहां पे लोभ कषाय आ जाएगा। और लोभ कषाय की एक खासियत है, पता है क्या लोभ कषाय है ना, वो क्रोध को भी काट देता है, मान को भी काट देता है, माया को भी काट देता है। लोभ कषाय इतना खतरनाक है कि वो इट इज लाइक अ बहर रुपया, उसको जब जो चीज अपने मतलब की होती है ना उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। If there is a person who has got no benefit, either direct or indirect, and that person says it's fine, and when I'm saying that he says that it's fine, which means कि उसके अंदर उसकी भावनाओं में बिल्कुल भी impact नहीं हुआ है, तो वो समता होगी। आपको पता है या वो पूजा इतनी गंदी लड़की है ना एकदम, और पूजा के बाल तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, उसको मेकअप करना तक नहीं आता है, और इतने बड़े बड़े चश्मे और पता नहीं क्या कपड़े पहनती है, उसके पास कपड़े है कि नहीं है, और उसका हस्बैंड को देखा है कभी शेविंग ही नहीं करता है। उसको ना वीडियो कॉल पे बैठने को भी नहीं आता है। बताइए इन सब चीजों को मैंने जो भी कुछ बोला, आप में से किसी को भी हर्ट हुआ, किसी को भी कुछ भी इंपैक्ट हुआ,
और आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया. सेम चीज का जब एक एक पार्ट देखोगे ना, सो 110% यू विल रेसोनेट विद वन और अदर एलिमेंट. भाई उसके बड़े बड़े चश्मे, अरे हाँ इनके भी तो बड़े बड़े चश्मे, इनको तो नहीं बोला. नहीं 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 हमारा तो वीडियो ऑफ है, तो उनको कैसे पता चलेगा. अरे सही से बैठो, आपको बैठने को देखो, सर ने बोला ना अच्छे से नहीं बैठते, आपके लिए था. अरे नहीं अपना तो वीडियो ऑफ है, तो उनको पता ही क्या होगा. आप यदि देखोगे तो जो मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज ने सारा दुनिया भर का झंझट मारी इसलिए छोड़ के वो मुनिराज बनते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक झंझट मारी, कोई भी एक टाइप का बोझ उनके कंधों पे होएगा, तो उस कारण से उनका वो समता भाव हाना संभव नहीं है. इसलिए वो दुनिया भर का सारा झंझट मारे छोड़ के मुनिराज बनते हैं. अरे सर लेकिन अभी हम तो मुनिराज नहीं बन सकते, तो हमें क्या करना चाहिए वो बताओ. हाउ कैन वी मैनेज आ भाव आ इमोशंस and at the same time live our family life happily at the current lifestyle, maintaining the current lifestyle. ये हम कैसे कर सकते हैं बताइए, कोई आंसर देना चाहेगा? अरे सर इसका आंसर पता होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों होते. That is the million dollar question, right? मैं इसका एकदम सीधा सीधा आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा ना इनडायरेक्ट आंसर दूंगा. आई एम अ सेल्समैन. आपको पता है सेल्समैन का काम क्या होता है? रेवेन्यू लेके आना. आपको ये भी पता है एमएनसीज के अंदर एक सेल्स का प्रोसेस कितना सिंपल होता है? सर सिंपल नहीं कॉम्प्लिकेट होता है. पता है क्यों? सेल्स वाला जाके मीटिंग लेके आएगा, पहले स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करेगा, स्टेक होल्डर कन्विंस होंगे तो वो क्लाइंट की कंपनी से जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड्स है, वो डिपार्टमेंट के हेड्स हमारे प्री सेल्स टीम के साथ मीटिंग होगी, हमारे ऑपरेशन टीम के साथ मीटिंग होगी. जब वो दोनों एक दूसरे को टेक्निकली एक्सप्लेन करके पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर करेंगे, उसके बाद तुम्हारा बात आएगी डील की. जब डील की बात होएगी तो उसके अंदर नेगोशिएशन होएगा, उसके अंदर लीगल एग्रीमेंट साइनिंग होएगी. जब तक ये सारी चीजें स्मूथली कॉन्करेंट नहीं होता है, कॉन्करेंस सबका नहीं होता है, जब तक सब लोग उस चीज पे एग्री नहीं करते तब तक एक भी सेल की डील नहीं होने. So how many areas are there? So is it simple or is it complicated? आपको पता है worst part ये है कि मैंने आपको client ला के दिया, वो client अगर आपको बोलते हैं कि boss मैं आपकी services का X amount दूंगा, but you have been habit of charging 10x. आपको कई सेम एफर्ट्स का कई और से बेटर मार्जिन मिलता है, तो बताओ आपकी ऑपरेशन टीम विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट जॉब? इवन इफ इट इज अ प्रॉफिटेबल डील, वॉट विल दे से? अरे नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट पर्टिक्युलर डील. वाई? Because margins are not lucrative enough for us. होता है कि नहीं?
मार्जिन है ना तो काम करो ना. वॉट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिटेबल बिजनेस और हाई मार्जिन बिजनेस? इट्स सो सिंपल और सो कॉम्प्लिकेटेड. अब मैं सेम चीज को एकदम सिंप्लीफाइड मैंने में बोलू, सेल से ज्यादा इजी काम कोई नहीं है. What I need to do is, I need to go, I need to identify the stakeholder, I need to just need to explain him and convince him ki boss, I can help you either increase profit, increase revenue or decrease cost. इन तीन में से किसी भी एक चीज के लिए अगर मैंने सामने वाले क्लाइंट को कन्विंस कर दिया ना कि वी कैन डू इट, वो डील होगी कि नहीं होगी बताइए? इट्स अ डन डील. सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट अपने भावों के साथ करना. आपको आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एंड ऑब्जेक्टिव है मोक्ष जाना. मोक्ष वो बलून ऊपर कब जाएगा, जब उसके ऊपर वो जो स्टिकीनेस, वो जो बॉन्डिंग एजेंट है ना, खत्म होएगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले वो जो कॉन्क्रीट, वो जो कॉन्सेंट्रेटेड बॉन्डिंग एजेंट है ना, पहले आप उसको डाइल्यूट करोगे. एक बार वो बॉन्डिंग एजेंट डाइल्यूट हो गया, उसके बाद आप धीरे धीरे आप उसको खत्म करोगे. यदि आप सीधा उसको खत्म करने जाओगे ना, पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, बट इट इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन. हर एक इंसान नहीं कर सकता. There are so many stories of कि भाई कोई बंदा ने 26 साल का लड़का है, कॉलेज के टाइम में भिखारी था, ऑटो वाले का बच्चा था, 5 साल के अंदर करोड़पति बन गया. है कि नहीं ऐसी स्टोरीज? अभी न्यूज़पेपर में आया था कि ऑटो वाली की बेटी को पेंडेमिक में 47 लाख रुपीस का जॉब मिला है, पैकेज मिला है इंडिया में. उसके पापा जी ऑटो चलाते हैं और मम्मी घर में बर्तन साफ करती है. कितना कमाएंगे? लाइफ टाइम में उनने 50 लाख रुपया कमाया नहीं होगा जितना उनकी बेटी 1 साल में कमाएगी. बट इज दैट व्हाट यू वुड रिकमेंड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द किड? सारे ऑटो वाले के बच्चों का बोलोगे कि भाई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. We are going to discuss the most easy way. जो bonding agent है उसको पहले concentrate से अब उसको dilute कीजिए. Dilute कैसे करना है? I will take 5 more minutes and I will wrap it up. I hope that's fine. Hello. हम लोग ने 5 मिनट late start किया था, so I'm sorry. I will take my 60 minutes. ओके. वो बॉन्डिंग एजेंट को डाइल्यूट कैसे करोगे? जब इसमें दो चीजें है, क्वांटिटी और क्वालिटी. जब आपके सबसे ज्यादा कर्मों का उदय आएगा तब आपको समता भाव धारण करना है. दूसरी क्वालिटी, जब आपके तीव्र कर्मों का उदय आएगा तब आपको समता धारण करना है. क्यों?
क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जब आप समता धारण करोगे तो वो जो एक्सट्रीम बॉन्डिंग है वो उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो आपको नए कर्मास कर्म आएंगे। अब इसमें पॉइंट ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है? जैसे कि आप लोगों का होता है ना, आप लोग को फिट होना होता है, ना पतला होना होता है ना मोटा होना होता है, क्या होना होता है? फिट, राइट? वैसे ही हमें ना तो एक्सट्रीमली नेगेटिव या पाप कर्म चाहिए ना क्वांटिटी और क्वालिटी में, ना ही शुभ कर्म एक्सट्रीम में चाहिए। आप लोग नहीं बोलते कि भाई लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए, क्यों? अगर स्ट्रगल नहीं होता है ना तो आप 90% देखोगे अम्मी बाप के जो बच्चे होते हैं ना नालायक होते हैं, क्यों? स्ट्रगल देखा ही नहीं। उसने बोला पापा गाड़ी चाहिए, ठीक है बेटा पोर्श आ गई है ले जा। उसको पता है क्या पोर्श खरीदने का मतलब क्या होता है? अति पुण्य का उदय या अति पाप का उदय, दोनों के दोनों आपके लिए अच्छे नहीं है। दोनों के दोनों आपको सच्चा सुख प्राप्त नहीं कराएगा। अति पुण्य का उदय आपको अनुकूलता देगा, अति पाप का उदय आपको प्रतिकूलता ही देगा, लेकिन आपको दोनों का अति नहीं चाहिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका पाप कर्म का उदय आएगा तो यू नीड टू ट्राई एंड इंश्योर कि पाप कर्म के उदय में आप पुण्य बांधो। जब भी पुण्य कर्म का उदय आएगा तो उस समय में आपको फोकस एंड ट्राई करना है कि आप कर्मों को ही नहीं बांधो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ प्रेजेंटली। अब मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग अभी इस लेक्चर में बैठ के मेरी बात सुन रहे हो, ये पाप कर्म का उदय है कि पुण्य कर्म का उदय? अनडिस्टर्ब शांति से बैठ के सुन पा रहे हो ना, तो ये पुण्य कर्म का उदय है। ये पुण्य कर्म के उदय में यू हैड अ चॉइस, या तो आप जाके एंजॉय करते जैसे आप साल के बाकी के 355 डेज करने वाले हो, 10 दिन के बाद वही करने वाले हो ना, सो दैट इज वन ऑप्शन जिसके अंदर आप बलून के वर्स बॉन्डिंग एजेंट को डाइल्यूट करने की जगह पे उसको कॉन्क्रीट का ही कॉन्क्रीट किया हुआ है। बस एक टाइप का आपने बोला कि ब्लैक कलर का जो बॉन्डिंग है ना वो अच्छा नहीं, उसको हटा के उसको व्हाइट कर देता हूं, दैट्स इट, डाइल्यूट नहीं किया आपने। लेकिन ये 10 घंटे ये 10 दिनों में आप दोगे, ये जो 40 घंटे इन 10 दिनों में दोगे, उन घंटों में आप क्या कर रहे हो? आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो। एवरीबडी इज देयर विद मी ऑन द सेम पेज? सो आपको सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पाप कर्म के उदय में पुण्य कर्म कमाओ। पाप कर्म के उदय से आपको प्रतिकूलता मिलेगी। जब चीजें आपके अगेंस्ट हो उस समय में धर्म पे फोकस करना डिफिकल्ट होता है, विच मीन्स कि ऐसा कोई भी इंसान जो ये सोचेगा कि भाई मुझे धर्म की पढ़ाई 50 इयर्स के बाद करना चाहिए, भाई व्हेन यू आर नॉट गुड टू इवन वर्क हार्ड एंड अर्न मनी, यू आर नॉट इवन गुड फॉर रिलीजन। जब आपके अंदर इतनी दम है कि आप कष्ट उठा के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो, जब आपके लिए सारी चीजें प्रतिकूल है, वही टाइम पे आपको धर्म पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही टाइम है जब आपको समझ में आएगा। यदि मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है ना तो मैं जिनवाणी पढ़ने बैठ जाता हूं, क्यों?
क्योंकि मुझे पुण्य कर्म को धीरे धीरे, अगर मेरा दिमाग चल रहा है ना तो उसका मतलब ये है कि मेरे शुभ कर्मों का उदय है। अब उस शुभ कर्मों के उदय में यदि मैंने पैसे कमाने में इन सब में दिमाग लगाया तो मैंने क्या किया, मैंने उसको और ज्यादा शुभ कर्मों को बांटा। यदि मैंने समता धारण करके आत्मा की बात की, आत्मा मतलब मेरे स्वयं की स्वभाव की बात की, तो मैंने उस बॉन्डिंग एजेंट को डाइल्यूट किया। और जैसे वो डाइल्यूट होएगा ना तो उसके बाद ऊपर जो भी चिपके हुए है ना उनको आपको हटाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही झड़ के गिर जाएंगे और वो बलून अपने आप ऊपर जाएगा। आपको इस चीज का भी लोभ नहीं करना है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी उस बॉन्डिंग एजेंट को डाइल्यूट कर दूं। आपको तो बस आत्मा का स्वभाव के मजे लेने हैं। ठीक है, सो हाउ टू मैनेज का आंसर मिल गया। आई विल कंक्लूड हाउ टू मैनेज। एनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ पाप कर्मास नीड्स टू उदय ऑफ पाप कर्मास नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू पुण्य कर्मास। When you have the Uday of Punya Karmas, you need to focus on converting into low quality karmas. Once you have the low quality karmas, jinka impact, influence aapki life mein jyada nahi ho, us moment pe you need to focus on your own soul. That is the window for you to achieve samyak darshan, and you need to create that window. Any doubt so far? Chaliye, Nupur ji, wo screen pe dal dijiye Jinwani Stuti ke liye. Everybody will say it. By the time you are doing it, I will conclude the lecture. And I will also give you what we are going to discuss tomorrow. अभी हमने कैसे मैनेज करना है वो तो समझ लिया, मतलब मैनेजमेंट में क्या चीज करनी है वो समझ लिया, लेकिन इज इट प्रैक्टिकल? हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे करेंगे? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुमारो। जिनवाणी स्तुति सब लोग एक साथ बोलेंगे। हेलो, या वी कैन सिंग विथ यू। ओके, चलिए। मिथ्या तम नाशवी को ज्ञान, कर्काशवी को आपा परिभास, सुफी को मानसी को खाने, जानवी को बंदवी, मानवी को स्वपर, जानवी को परम ब्रह्मणि, सूझे दो कालू,
जय जिनेंद्र, थैंक यू. जय जिनेंद्र.